अब हमारा जो हमारी चुनौती है जिस प्रकार अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से सीधे राजभवन के बाहर कुछ और नेता रघुवर दास अब निकल रहे हैं शायद बाहर। ये देखिए तस्वीरें अनिल, गवर्नर को आप लोगों ने समर्थन पत्र दिया गया है, गवर्नर माननीय मुख्यमंत्री को इनवाइट करेंगे, गवर्नर उनको इनवाइट करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी को। अभी समर्थन दिया है अध्यक्षों ने और बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी को वो इनवाइट करेंगे। अब वो मुख्यमंत्री को इनवाइट करेंगे श्री राज्यपाल। बीजेपी की प्रचंड बहुमत की एक सर्वसम्मत की सरकार बन रही है। अब गवर्नर उनको इनवाइट करेंगे। अभी यहाँ पे सभी अध्यक्षों ने अपना समर्थन दे दिया है, तीनों दलों ने, बीजेपी ने अपना दल ने और निषाद पार्टी चुने गए हैं। अब राज्यपाल जी उनको बुलाएंगे तो फिर भी आएंगे। दिनेश शर्मा है, डिप्टी सीएम रहे हैं पिछली सरकार में, वो कह रहे हैं कि दे दिया है और जो समर्थन पत्र है वो दे दिया है। और देखिए तमाम नेता जो है वो जा रहे हैं। अंदर आप लोगों ने दावा संजय जी समर्थन पत्र दे दिया गया है, समर्थन दे दिया और दावा का है कब तक सरकार बनाने का दावा कब तक होगा? बाकी हम लोग समर्थन कर दिया एनडीए घटक दल के नेता चुने माननीय योगी आदित्यनाथ जी, निषाद पार्टी ने अपने विधायकों का बिल्कुल। तो देखिए सरकार बनाने का दावा जो है वो पेश किया जाएगा, समर्थन पत्र दिया गया है और तमाम नेता जो है वो समर्थन पत्र देके जा रहे हैं। और दिनेश शर्मा ने कहा है कि अब ये राज्यपाल टाइम देंगी उस समय के हिसाब से, मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ जो है सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए राज्यपाल के पास आएंगे और अपना दावा पेश करेंगे। फिलहाल अभी बीजेपी ने सहयोगी दलों ने समर्थन पत्र मुख्यमंत्री के नाम का दे दिया है राज्यपाल को। बिल्कुल अनिल, एक्सक्लूसिव बातचीत हमारे संवाददाता अनिल ने डॉक्टर दिनेश शर्मा डिप्टी सीएम से की। डिप्टी सीएम ने कहा कि बीजेपी और दोनों सहयोगी दलों के विधायकों की तरफ से अध्यक्षों ने समर्थन पत्र सौंप दिया। धीरेन्द्र सर से समझते हैं, धीरेन्द्र सर लगातार बने हुए हैं। धीरेन्द्र सर, बीजेपी और निषाद पार्टी और अपना दल के तीनों के जो प्रतिनिधि है वो वहां पर मौजूद थे, उन्होंने समर्थन वाली कॉपीज वहां पर राज्यपाल को सौंपी है। अब दिनेश शर्मा ने बताया कि राज्यपाल इन्वाइट करेंगे मुख्यमंत्री को दावा पेश करने के लिए, फिर उसके बाद इसी तरह से कवायद आगे बढ़ेगी। हाँ देखिए, ये पूरी प्रोसेस है जिससे ही आप पहले जब सरकार जो चुनाव जीती है उसके बाद आपने देखा होगा वहां जाने के बाद अपनी पार्टी की ओर से वहां बाकायदा दावा पेश किया जाता है। सरकार ने एक तिथि तय की है और उससे पहले विधायक दल की मीटिंग होने के बाद अगर सहयोगी दल है तो उनके भी समर्थन का पत्र है वो दिया जाता है और अब उससे संतुष्ट होने के बाद पूरी तरह राज्यपाल जो है वो सुरेश खन्ना जो आज प्रस्तावक भी थे मुख्यमंत्री के, विधायक दल के नेता के दौरान उनके माध्यम से प्रस्ताव दे दिया। आएंगे अब आगे, अभी आएंगे कहिए तो सुना दे। अभी 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 इतना केवल जाने कि जो पार्टी का प्रस्ताव है वो माननीय राज्यपाल जी को पार्टी की ओर से सौंप दिया गया। आगे बढ़ाओ बढ़ाओ। संजय जी, क्या आपने दिया है, क्या समर्थन दिया है माननीय योगी आदित्यनाथ को? समर्थन दिया चाहते हैं। नमस्कार। अमित शाह जी नहीं आए सर मिलने? अमित शाह जी की भी बड़ी होती है। दो डिप्टी सीएम है या तीन है? ये अभी आपको मालूम हो जाएगा। बहुत जल्दी सीएम साहब अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। बहुत जल्दी अमित शाह जी को छोड़ने गए, आएंगे अभी आएंगे मुख्यमंत्री। सर किसकी तमन्ना नहीं पूरी होगी? सर तमन्ना की अभी माननीय मुख्यमंत्री जी राज्यपाल जी से मिलेंगे तब आप सबको मालूम हो जाएगा। मुख्यमंत्री सर क्या अमित शाह सर नहीं पूरी है? अरे अभी मुख्यमंत्री जी मिलेंगे एक तब आपको मालूम हो जाएगा।